जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे आपको बटन दिखाई दे रही है रेड कलर के सब्सक्राइब की, उसे दबाएं और चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, ये वीडियो जो है, ये चैनल है, आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। उसी विषय पर हम आज बात करेंगे, तंत्र मंत्र। इस बात को ले सावधान आप हो जाइए, तंत्र मंत्र के लिए जो भी आपकी तंत्र मंत्र संबंधित जितनी भी बातें हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। हम थोड़ा लालच में आकर या थोड़ी परेशानी में आकर ये रास्ता इख्तियार कर लेते हैं कि कोई तंत्र मंत्र कर सब कुछ सही कर देगा, कोई नोटों की बारिश कर देगा। अपने इलाकों में इसे अलग भाषा में कह सकते हैं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जंतर मंतर और काली विद्या, गलत विद्या, कई नामों से इसे प्रचलित ये भाषा है, अपनी भाषा में उपलब्ध है ये बात। तो तंत्र मंत्र जो है, वो वास्तविकता में इसके होने का आम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके होने का आम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। साधना जो होती है, ये साधक होते हैं, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये साधक ये नहीं कर सकते जो बातें आप जो सोचते हैं कि आपका जीवन सही कर दे या ये कर दे वो कर दे। तो तंत्र मंत्र वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं है, जिसे हम काला जादू कहते हैं, ये वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं है, केवल ये मन का वहम है। और जो उन शक्तियों के लिए जो प्रयास करते हैं वो लोग आपको आम दुनिया में नहीं दिखाई देंगे, वो लोग अपनी साधना में लीन। जैसे जिस तरह से एक अच्छा तपस्वी आपको इस दुनिया में या इस धरती पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन रहेगा। ये जीवन एक बार मिला है, उस तपस्या में लीन रहेगा, वो आपके लिए नहीं आएगा। ये जीवन में स्वयं उद्धार उस पर आधारित है, हमारा जो अध्यात्म है वो स्वयं उद्धार पर आधारित है, ये विषय है। और वास्तविकता में जो लोग कहते हैं हमें तंत्र मंत्र या इन तरह की साधना आती है, ये सब झूठी बातें हैं, केवल आपसे पैसे हटने की बातें, आपको गुमराह करने की बातें। वास्तविकता में काला जादू कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए अगर कल आप किसी के घर के बाहर जाकर कोई चीज़ फेंक देते हैं, कोई भी चीज़ फेंक देते हैं, और उसको वहम डाल दीजिए आप कि इसने कोई कुछ कर गया, तो अगर उसकी साइकोलॉजी आपने सेट कर दी कि वाकई में किसी ने कुछ कर दिया, तो उसका मन जो है, मन और मस्तिष्क दोनों ये बात मानेगा कि हाँ किसी ने कुछ कर दिया, और वो मन और मस्तिष्क ये मान लेगा कि हाँ मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होता रहेगा। क्योंकि आप इसे पॉजिटिव में भी सोचें ना, अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव में सोचेंगे तो सब पॉजिटिव होगा। तो बस वही जो विज्ञान है वहाँ पर काम करता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति काला जादू टोना टोटका की बात अगर कोई करते हैं, उन लोगों से दूरी बना के रखें, उनसे कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि वो आपको उल्लू बना रहे हैं, आपको झूठ बना रहे हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपसे पैसे हटना चाहते हैं, और कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएँ घटित हो गई हैं। क्योंकि वास्तविकता में इनका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, वास्तविकता में एक आम इंसान के लिए इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों में पड़े हैं तो सावधान हो जाइए, इन चीज़ों से दूरी बना के रखिए। ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए मैं मैसेज करना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि जो इन चीज़ों में पड़े हैं अभी बाहर आ जाए। इन चीज़ों में अगर आप पढ़ें तो आपका साइकोलॉजी नेगेटिव होगा, आपका माइंड जो सेटअप है पूरा नेगेटिव होगा, और आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में कलयुग में केवल केवल ईश्वर का नाम जप ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो आप नहीं कर रहे हैं, और उससे भटकाने के लिए तमाम ये आपके सामने चीज़ें आती रहेगी और हमेशा आती रहेगी। तो जंतर तंत्र मंत्र वास्तविकता में कुछ होता नहीं है, इनका आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। आपसे मैं यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट्स करें, आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।